पिछले साल भर से आप कृषि कानून और किसान आंदोलन जैसे शब्द बार बार सुन रहे होंगे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर धरना दे रहे किसानों ने मोदी सरकार को आखिरकार झुका ही दिया है। संसद ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया है और जितने अलोकतांत्रिक तरीके से तीनों कृषि कानून पास किए गए थे उतने ही अलोकतांत्रिक तरीके से इन्हें निरस्त भी कर दिया गया। किसान आंदोलन निश्चित तौर पर तानाशाही सरकार को लोकतंत्र की ताकत दिखाने का शानदार उदाहरण माना जाएगा। लेकिन इस किसान आंदोलन से दलित बहुजनों को क्या हासिल हुआ और क्या किसान आंदोलन की कामयाबी के बाद अब वक्त आ गया है कि भारत में भूमि सुधार आंदोलन भी शुरू किया जाए। जय भीम दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। आज हम बात करेंगे भारत में भूमि सुधार कानून की जरूरत और भूमिहीन दलित बहुजनों में जमीन के बंटवारे की मांग पर। वीडियो में आगे हम जानेंगे कि क्यों दलित बहुजनों को सशक्त करने के लिए उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिया जाना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। किसान आंदोलन में भूमिहीन दलित बहुजन मजदूरों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहादत देने वालों में दलित बहुजन भी शुमार हैं और भूमिहीन मजदूरों ने अपने मालिकों की लड़ाई में तन मन धन से साथ दिया। लेकिन क्या अब किसान आंदोलन की कामयाबी के बाद ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि अब एक आंदोलन क्यों ना भूमि सुधार के लिए किया जाए। पंजाब में दलितों की आबादी करीब 32% है, लेकिन वहाँ 3% दलितों के पास भी खेती करने लायक जमीन नहीं है। यही हाल हरियाणा में भी है। दलितों की आबादी करीब 20% है, लेकिन जमीन 2% से भी कम दलितों के पास है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वक्त नहीं आ गया है कि सामाजिक न्याय की गारंटी के लिए भूमि सुधार के लिए भी किसान आंदोलन जैसा ही एक बड़ा जन आंदोलन हो। एक ऐसा आंदोलन जहां भूमिहीन दलित मजदूरों के हक के लिए जमींदार भी उसी तरह आंदोलन करे जैसा किसान आंदोलन में दलित बहुजन मजदूरों ने किया है। दुनिया भर में जर जोरू और जमीन के लिए जाने कितनी ही लड़ाइयां हुई हैं, आज भी एकाध गज जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। सिकंदर से लेकर अंग्रेजी हुकूमत तक हर कोई ज्यादा से ज्यादा जमीन अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहता था। आज भी एक मुल्क दूसरे मुल्क की जमीन पर कब्जा करने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिर जमीन इतनी अहम क्यों मानी जाती है? क्योंकि जमीन सिर्फ धरती का एक टुकड़ा नहीं होती। जमीन का मतलब होता है ऊंची हैसियत होना और जमीन का मतलब होता है मालिक होना। जमीन का मतलब होता है आपकी सामाजिक और आर्थिक हालत को तय करना और जमीन का मतलब होता है आपको कई तरह के विशेषाधिकार मिलना। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जमीन आपकी औकात तय करने का दम रखती है। जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन उसकी उतनी ज्यादा औकात। बाबा साहब के इस कथन से आपको ये बात और अच्छे से समझ आ जाएगी। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि भारत में जमीन किसी की सामाजिक स्थिति को तय करने वाली है। एक जमींदार खुद को भूमिहीन व्यक्ति के मुकाबले ऊंची सामाजिक हैसियत वाला मानता है। बाबा साहब की इस बात पर आपको अगर यकीन ना हो तो आप अपने आसपास नजर घुमा लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। भारत में जातियों के हिसाब से जमीन पर कब्जा है, इसलिए चंद जातियों के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है और कुछ जातियों के पास घर बनाने तक की जमीन नहीं है। क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी, अच्छा ये हाथ में क्या है, इसका नाम क्या है? खुरपा। खुरपा, तो ये जो नुलाई करते हैं आप कितने दिन से कर रहे हैं? हम तो बहुत दिन हो गए जी। कितने एक दिन हो गए? हो गए 40 साल। 40 साल से कर रही है? हाँ जी। तो 40 साल में आपका अपना खेत नहीं रहा? नहीं जी, हमारा खेत नहीं है। तो 40 साल में जब पहले काम करती थी तो कितने रुपए दिहाड़ी मिलती थी? 150। 150। और अभी कितने मिलते हैं? 200। तो बस 50 रुपया बढ़ा। पहले तो। अच्छा, तो गुजारा हो जाता है? कहीं ना जी, बस बच्चों की नौकरी नहीं, कुछ नहीं। मजदूर आदमी कोई पेंशन नहीं बनवाता, बड़े आदमी की कोई नहीं। आपको वो बुढ़ापा पेंशन वगैरह कुछ मिलता नहीं है? नहीं। हाँ जी। और घर परिवार? घर परिवार भी बेचारे ईंट पीट रो हैं, नहीं बच्चे। हाँ। बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कुछ? नहीं। अच्छा, ईंट रो हैं, मजदूरी आदमी सारे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जमीन का बंटवारा हुआ कैसे। आखिर इतिहास में ऐसा क्या हुआ जिससे कुछ लोगों के पास जमीन आ गई और कुछ लोग भूमिहीन हो गए? दरअसल जब इंसान ने खेती करना सीखा तो उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी की भावना जागी।
पहले खेती की जमीन पर कबीलों ने हक जमाया और बाद में राजशाही और साम्राज्यवाद भी जमीन पर काबिज होते गए। जब राजे रजवाड़े होते थे उनका दौर था, तब राज्य की सारी जमीन पर राजा का कब्जा होता था। जनता राजा की जमीन पर खेतीबाड़ी करती थी, अपने राजा के लिए अनुप जाती थी और लगान भरती थी। लेकिन खेतों पर जनता का हक नहीं होता था, लेकिन राजशाही में ही जमींदारी प्रथा का उदय हो गया। दरअसल बहुत से राजा ऐशो आराम में डूबे रहते थे और जब वो किसी के काम से खुश हो जाते थे तो उसे जमीन का एक टुकड़ा तोहफे में दे दिया करते थे। मुगल काल और नवाबों के दौर में भी इसी तरह की जागीरें दिए जाने के किस्से भरे पड़े हैं, ऐसे किस्से आपको खूब मिलते हैं। धीरे धीरे यही जागीरदार या जमींदार जमीन के मालिक बनते गए और अपनी जमीन पर किसानों से खेती करवाकर राजा को लगान देने लगे। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भी लगान वसूलने के लिए कई तरह के भूमि सुधार लागू किए, लेकिन जमीन जो है वो बड़ी जोत के जमींदारों के पास ही बनी रही। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में भूमि सुधार की मांग तो उठी, लेकिन जिनके पास सैकड़ों हजारों बीघे जमीन थी उनसे उनकी जमीन वापस लेकर भूमिहीन लोगों में नहीं बांटी गई, यानी जमींदार पहले की तरह ही जमीन के मालिक बने रहे। आजादी के वक्त तमाम सुधारों की तरह भूमि सुधार की मांग भी जोर शोर से उठी थी। संविधान बनाते वक्त जमीन को राज्य का विषय रखा गया। राष्ट्र निर्माताओं का मानना था कि राज्य अपनी सुविधानुसार भूमि सुधार लागू करेंगे और भूमिहीन जनता को रहने और खेती करने लायक जमीन मुहैया कराएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद देश के ज्यादातर मामलों में कांग्रेसी नेताओं का जबरदस्त दखल होता था। कांग्रेस में उस समय राजे रजवाड़े और जमींदारों का दबदबा था, भरे पड़े थे। ऐसे में जमीनें वापस लेने की जब भी बात होती कांग्रेसी उसका जबरदस्त विरोध करते। कांग्रेसी जो है जो नेता थे वो चुनावी राजनीति में दाखिल होकर किसी भी तरह का नुकसान नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए भूमि सुधारों का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कानून बनाकर जमींदारों को मालिकाना हक दे दिया गया और आजादी के बाद से कोई भी सरकार इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि जमीन के पुनर्वितरण के लिए भूमि सुधार लागू किए जाएं। पिछले 7 दशकों में दलित बहुजन संगठन भूमि सुधार लागू किए जाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी बातों पर गौर नहीं किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भूमि सुधार के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि खेती की जमीन पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए और सरकार अधिग्रहण की गई भूमि को सभी लोगों को बिना किसी जाति भेद के पट्टे के रूप में बांट दे। पट्टाधारी जो गांव है वो सरकार को खेत के किराए का भुगतान करेगा और पैदावार को परिवार में निर्धारित तरीके से बांट लेगा, यानी जो गांव है वहां पर ये जमीन किराए पर लोगों को मिलेगी, लोग उस पर फसल पैदावार करेंगे और सरकार को एक निश्चित अमाउंट है उसका भुगतान करेंगे। और कृषि भूमि को जाति धर्म के आधार पर बिना भेदभाव के इस प्रकार बांटा जाएगा कि न कोई जमींदार होगा, न पट्टेदार होगा, न भूमिहीन किसान होगा, और इस तरह से सामूहिक खेती के लिए वित्त, सिंचाई, जल, जोत, पशु, खेती के औजार, खाद, बीज आदि का प्रबंध करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। यानी डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि जमींदारी प्रथा का अंत होकर जमीन सरकारी कंट्रोल में रहे और सभी को उस पर खेती करने की इजाजत मिले। लेकिन विडंबना यह है कि उनकी बात को कभी नहीं माना गया और कांग्रेस राज में जो ताकतवर सवर्ण थे उन सवर्ण जातियों ने कभी भूमि सुधार होने ही नहीं दिए। सितंबर 1954 में संसद में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फॉर द ईयर 1953 रिपोर्ट पर बोलते हुए बाबा साहब ने दलितों को जमीन दिए जाने पर जोर दिया था। उन्होंने नेहरू सरकार के सामने 3 सवाल उठाए थे। पहला, क्या जमीन उपलब्ध है? दूसरा, क्या सरकार के पास जमींदारों की जमीन अधिग्रहण करने की इच्छा और ताकत है? तीसरा, अगर कोई व्यक्ति किसी दलित को जमीन बेचना चाहे तो क्या सरकार उस जमीन को खरीदने के लिए आर्थिक मदद करेगी? बाबा साहब ने कहा कि अगर इन तीनों में से किसी एक सवाल का भी जवाब सकारात्मक है तो दलितों को जमीन मिल सकती है। उन्होंने सरकार से ज्यादा जमीन रखने पर पाबंदी और उस जमीन को दलितों में बांटने का कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस पर बाकायदा कानून बनाया जाना चाहिए कि कोई बहुत ज्यादा जमीन नहीं रखेगा और जमीन का वितरण किया जाएगा। उनका कहना था कि अगर सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती तो दलितों को जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए जाने चाहिए ताकि जो दलित हैं वो जमीनें खरीद सकें। डॉक्टर अम्बेडकर बार बार कहते थे कि अगर सरकार कानून बना दे कि कोई व्यक्ति एक तय सीमा से ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकता तो इससे देश में बड़ी क्रांति आ जाएगी।
वो कहते थे जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक देने से भारत में कभी भी भूमि सुधार नहीं हो पाएंगे। आर्टिकल 31 में भारतीय संविधान नागरिकों को निजी संपत्ति रखने और संपत्ति को बेचने का अधिकार देता है। इस आर्टिकल को ड्राफ्ट करते वक्त जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और गोविंद वल्लभ पंत में जबरदस्त मतभेद हुआ था। बाद में संसद में बहस हुई कि क्या जमींदारों से जमीन वापस लेने के एवज में आर्टिकल 31 के तहत उन्हें मुआवजा दिया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा था, जब सरकार जमींदारों से जमीन वापस नहीं ले सकती तो दलितों में जमीन कैसे बांटेगी। डॉक्टर अंबेडकर राजनीतिक क्रांति से पहले सामाजिक क्रांति की बात करते थे, लेकिन सामाजिक क्रांति के साथ साथ वो आर्थिक क्रांति को भी बेहद जरूरी मानते थे। शक्ति नापी है शूद्रेण ने कार्यो धन संचय, शूद्रो ही धन साध्य ब्राह्मण ने वादते। मनु दुनिया की सबसे घटिया किताब मनुस्मृति में लिखता है कि शूद्रों के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शूद्र संपत्ति अर्जित कर लेता है तो ब्राह्मण उससे वो संपत्ति छीन सकते हैं। भारत में मनुवादी मानसिकता के लोगों ने हमेशा ही शूद्रों अति शूद्रों के पास घर जायदाद या जमीन नहीं होने दी। तरह तरह की साजिशें रच शूद्रों अति शूद्रों को कंगाल, दीनहीन और गुलाम बनाए रखा। संपत्ति अपने साथ ताकत लेकर आती है और कोई बहुजनों को ताकतवर नहीं होने देना चाहता। धीरे धीरे जमीन पर चंद जातियों का कब्जा होता चला गया और आज भी यही हालात हैं। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2010 के आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल 17.92 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 10.08 करोड़ यानी करीब 56% के पास खेती की जमीन नहीं है, खेती करने लायक कोई जमीन नहीं है। आंध्र प्रदेश में 73%, तमिलनाडु में 73%, केरल में 72%, पश्चिम बंगाल में 70%, पंजाब में 65%, बिहार में 65%, एमपी में 55%, गुजरात में भी 55%, ओडिशा में 54%, महाराष्ट्र में 53%, छत्तीसगढ़ में 47%, यूपी में 45%, राजस्थान में 38% और जम्मू कश्मीर में 22%, हिमाचल प्रदेश में 22% परिवारों के पास जमीन का ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है जिस पर वो खेती कर सके। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जमीन सिर्फ खेती बाड़ी के लिए ही नहीं बनी बल्कि उससे कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। सामाजिक न्याय के विचार वाली पार्टियों ने जरूर अपने शासनकाल में दलितों को पट्टे की जमीनें देने की कोशिश की है, लेकिन सरकार बदलने के बाद अक्सर दलितों से जमीनें छीन ली जाती हैं। जैसा यूपी में हुआ कि बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में दलितों को जमीनें दी गई, लेकिन बाद की सरकारों ने पट्टे की जमीन को वापस ले लिया। कई राज्यों में जमीन तो दलितों के नाम पर है, उनके नाम पर रजिस्टर भी है, लेकिन उस पर कब्जा जो है वो जातिवादियों का है। ऐसे में जरूरी है कि भारत की संसद में बाकायदा कानून लाकर ना सिर्फ भूमि सुधार किए जाएं बल्कि भूमिहीन दलितों बहुजनों को जमीन का बंटवारा भी किया जाए। यहां मैं साफ कर दूं कि हमारी मांग सिर्फ खेती की जमीन दिए जाने की नहीं है बल्कि खनिजों से भरी जमीन भी दलित आदिवासी बहुजनों को दी जानी चाहिए। देश के संसाधनों पर सभी का समान हक होना चाहिए, धन और धरती का बंटवारा बराबरी से होना चाहिए। मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल ने भी अपनी सिफारिशों में भूमि सुधार और पुनर्वितरण की सिफारिश की थी। मंडल कमीशन की 17वीं सिफारिश कहती है कि सभी राज्य सरकारों को प्रगतिशील भूमि सुधार कानून लागू करने चाहिए जिससे देश भर के मौजूदा उत्पादन संबंधों में ढांचागत एवं प्रभावी बदलाव लाया जा सके। 18वीं सिफारिश में भी मंडल कमीशन ने माना कि लैंड सीलिंग एक्ट लागू करके अतिरिक्त जमीन को ओबीसी में बांटा जाना चाहिए, लेकिन अब तक मंडल कमीशन की 40 में से सिर्फ 2 सिफारिशें ही लागू की गई हैं, जबकि भूमि सुधार जैसी मांग सबसे जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि भारत में दलित आदिवासी महिलाएं सवर्ण महिलाओं के मुकाबले औसतन 14 साल पहले मर जाती हैं, यानी दलित आदिवासी महिलाओं की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो काफ़ी कम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुपोषण के कारण ऐसा होता है, जिसकी एक वजह है दलित आदिवासियों के पास खेती करने लायक जमीन ना होना। दरअसल अपनी जमीन ना होने के कारण दलित आदिवासी पोषक दालें और सब्जियों का उत्पादन नहीं कर पाते और इस कारण महिलाएं अक्सर कुपोषण का शिकार भी हो जाती हैं। जमीन ना होने के कारण ऐसी तमाम परेशानियों से दो चार उन्हें होना पड़ता है, इसलिए भूमि सुधार तुरंत लागू किए जाने चाहिए। आखिर कब तक भूमिहीन दलित आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग जमींदारों के खेतों में कोलू के बैल की तरह मेहनत करते रहेंगे।
उम्मीद है कि किसान आंदोलन की तरह जल्द ही देश में भूमि सुधार के लिए भी एक बड़ा जन आंदोलन होगा। उम्मीद ये भी है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के विश्लेषण को देखने के लिए द न्यूज बीट को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों। मेरा नाम सुमित चौहान है, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार और रजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।